मल्टी ड्राइव मोड चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि बाइक की चेन को घर पे कैसे साफ़ किया जाए, बाइक की चेन और एयर फिल्टर जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमने एक घर पे ही आपके घर में किसी भी तरह की कोई प्लास्टिक की बोतल होगी वो ली है और उसमें एक ऊपर बहुत बारीक सा होल किया है और ये बोतल आप देख रहे होंगे 450 ml की है और इसमें से हमने लगभग लगभग 200 ml डीजल लिया है। डीजल जो आप यूज करते हैं तो 200 ml डीजल लगभग 18 से 20 रुपये का हुआ। अब इसमें से देखते हैं हमारा कितना खर्चा आता है और कितना नहीं आता है, क्योंकि हमारी चेन काफ़ी दिन से काफ़ी गंदी पड़ी और बहुत दिन हो गए हैं, इस वजह से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस आए। और एक हमने पहले ही काफ़ी समय पहले ही, मैं पहले से ही करता हूँ थोड़ी केयर, चैनल तो मैंने खैर अब खोला है, ये एक ब्रश है, ये मेरा पहला आप देख रहे हो ना गंदा पड़ा है क्योंकि ये पहले भी इससे साफ़ किया है, अब इसे साफ़ कहाँ तक किया जाए, तो इस वजह से ये ब्रश है। और ये हमने जो हमारे यहाँ पे एक पेचकस वाला होता है तो उसी में एक 10 नंबर का है, इसके लिए नट, इसके लिए हमने एक ये गोटी लिया और एक ये प्लस वाला पेचकस लिया है और एक ये प्लस वाला पेचकस लिया है इसको एयर फिल्टर को ओपन करने के लिए। तो चलिए पहले हम सबसे पहले चेन को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बाइक को स्टार्ट किया है और स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाल दिया। और अब हम धीरे धीरे चेन पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल रहे हैं ताकि ये पहले पूरी भीग जाए। अच्छा खासा हमने तेल इस पे डाल लिया है, होल बहुत पतला किया है इसकी वजह से ताकि हमारा कम डीजल कम लगे। और थोड़ा सा हमने इस पे किया है क्योंकि ये काफ़ी पहले से सूखा पड़ा है, कुछ को ये ले जाएगा, और हमने इसको ऐसे लगाया और इस तरह से पकड़ लिया। अब इसको हमने इससे गंद को ब्रश ने काफ़ी छुड़ाया है और हम इस पे दोबारा ऑयलिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब वहाँ से आगे से डीजल काला होकर निकल रहा है क्योंकि इसने डस्ट को छुड़ाना स्टार्ट कर दिया। हमने अगेन ब्रश को लगाएंगे। तो हमने इसकी जो सारी डस्ट निकाल दिया, अब हम इसको एक बार फिर ऑयलिंग करेंगे। ये जो आप ब्रश देख पा रहे हैं ये चेन को बैक और दोनों साइड से आराम से क्लीन कर सकता है। इसको इस तरह से हम लगाएंगे और थोड़ा इसको लगाते हुए ध्यान रखेंगे कि ये इसमें अटक ना जाए। और अब ये लगभग हमारी तरफ से इसमें से सारी रस्ट निकल चुकी है, अब हम इसको सिर्फ हमें डीजल डाल के इसको साफ़ करना है बिल्कुल। हमारी चेन काफ़ी दिनों से गंदी हुई पड़ी थी, इस वजह से हमारा लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि अभी इसमें से आधा डीजल भी नहीं लग पाया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो स्प्रो किट है ये आपने पहले देखा होगा कितना गंदा था और अब बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। बस ऐसा तो चैन पे गंदगी थोड़ी सी रहेगी, बट ये थोड़ी सी धीरे धीरे अपने आप सूख के सेट हो जाएगी।
अब की बार हमारा एयर फिल्टर हमने काफ़ी गंदा किया है। वैसे तो हमने नया एयर फिल्टर ला के रख रखा है इसमें चेंज करने के लिए, बट हमें ये वीडियो बनानी थी इसलिए हम अभी पुराने फिल्टर को ही क्लीन करेंगे। आप देख रहे होंगे इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये आफ्टर मार्केट ख़रीदा था लेकिन इसमें क्या दिक्कत हुई, इसको पहली बार पेट्रोल से साफ़ करते ही ये काफ़ी बढ़ गया। आप देखोगे इसमें से धूल निकल रही है। तो हमें एयर फिल्टर साफ़ करने के लिए पेट्रोल निकालना है, तो अब यहाँ से इन पाइप को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी दिन में फिक्स हो जाते हैं, काफ़ी दिनों से जैसे लगे रहते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे ईजीएस्ट वे निकाला है, हमें कार्बोरेटर के नीचे जो हमारा पाइप है वो हमने निकाल रखा है और यहाँ से हमने इसको ऐसे लगाया और इसका जो बिल्कुल नीचे एक पेच होता है उसको हमने ओपन खोल दिया। अब इसमें आप देखेंगे इसमें पेट्रोल निकल रहा है और हमें जितना रिक्वायरमेंट होगी हम उतना इसमें से निकाल लेंगे। हमने यहाँ से फ्यूल कॉक को बंद कर दिया। तो हमने जैसे ऑयल को ऑफ कर दिया था टी से, अब ये हमारा बिल्कुल कार्बोरेटर बिल्कुल खाली हो चुका है। उससे एक बेनिफिट और होता है, जो हमारी नीचे इस डब्बी में जो कचरा और गंदगी या पानी वानी किसी तरह का कोई छा जाता है तो वो सब इस कटोरी में आ जाएगा और वो यूज भी आ जाएगा। कैसे, कई बार आपने देखा होगा मैकेनिक्स के पास जाते हैं तो वो इसको निकाल देते हैं, जैसे आपकी बाइक वगैरह में कभी थोड़ी बहुत मिसिंग आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम में। तो सबसे पहले हम बाहर वाले को धोएंगे, बाहर वाले फिल्टर के हिस्से को, पार्ट को धोएंगे क्योंकि इसमें गंदगी कम होती है। जैसा कि आपने देखा ये बाहर वाला पोर्शन इसका क्लीन हो चुका है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, जैसे ही इसे क्लीन करते हैं हम पेट्रोल से धोते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा ना इसमें, इस वजह से इसमें भी सिलवटें अंदर पड़ी हुई हैं। देखिए एयर फिल्टर की गंदगी, लोग कहते हैं ना कि एयर फिल्टर को कुछ साफ करने की, ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। अभी थोड़ा सा ऑयल हम और निकालेंगे। हमने एक बार इसको पहले धो दिया था और अभी फिर देखेंगे इसमें से कितनी गंदगी निकलती है। अब इतनी गंदगी तो इसमें से निकलेगी ही क्योंकि वैसे भी हमें ये चेंज करना है। हमने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इसको किया था क्योंकि हमें ये चेंज भी करना है, नेक्स्ट टाइम हम जब इसे चेंज करेंगे तब भी वीडियो बनाएंगे। तो हम इसको फिट कर रहे हैं, वैसे हम इसको भी क्लीन करते हैं लेकिन हम इस बार इसको भी क्लीन नहीं कर रहे हैं, अंदर से भी नहीं क्लीन कर रहे हैं क्योंकि हम इसे 100 या 200 किलोमीटर वाइज की आपको एक फुल सर्विस वीडियो दिखाएंगे तब हम इसको चेंज करेंगे, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे बस एक थोड़ा सा कहीं जाना है, 100-200 किलोमीटर चलनी है बाइक पिछले अगले 2-4 दिन में, तो उससे उसके लिए ही हम इसे कर रहे हैं। तो एयर फिल्टर को हमने क्लीन कर दिया है और चैन को भी क्लीन कर दिया है और अब हम एक और थोड़ा सा फ़ायदा लेंगे, जो हमारा एयर फिल्टर से गंदा पेट्रोल बचा था इसको हम चैन पर डालने वाले हैं ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो हमारा एयर फिल्टर से पेट्रोल बचा था गंदा पेट्रोल, उसको हम चैन पर डाल रहे हैं क्योंकि डीजल से थोड़ी चिकनाई होती है और ये इसे ढंग से डल नहीं पा रहा है, लेकिन हम इसे फिर भी डालने की कोशिश करेंगे। और इस चैन क्लीनिंग के दौरान आप देखेंगे इसमें हमने लगभग 200 ml पेट्रोल लिया था, जिसमें से सॉरी डीजल लिया था, जो लगभग 100 ml हमारा बचा हुआ है। हार्डली हमारा 100 ml भी इसमें डीजल नहीं लगा है। और आप यहाँ देखेंगे तो जितनी चैन की गंदगी थी सारी यहाँ आ गई है और हमारी जो चैन क्लीनिंग की प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है। अभी हम इस चैन को थोड़ा सूखने तक, थोड़ा सा ड्राई होने तक 10-5 किलोमीटर चला गए, उसके बाद इसमें ऑयलिंग करेंगे। चैन लूप जो भी आपको लगे आप इसमें ऑयलिंग भी कर सकते हैं। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ को सीख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।